देश के 50 से अधिक जगहों पर आयकर विभाग का रेड, यूपी, दिल्ली और कोलकाता सहित देश के 50 से अधिक जगहों पर रेड देखने को मिली है। यूपी में कानपुर, लखनऊ, नोएडा और गाजियाबाद में छापेमारी। कानपुर के दो बड़े गोल्ड कारोबारियों के घर और ठिकानों पर पहुंची है इनकम टैक्स की टीम। तो सोने की खरीद फरोख्त से होने वाली काली कमाई का निवेश रियल एस्टेट के कारोबार में किया जा रहा था। अकेले कानपुर में करीब 17 ठिकानों पर इनकम टैक्स की छापेमारी जारी है। बड़ी खबर इस वक्त आपको दे रहे हैं, इनकम टैक्स की छापेमारी देश के अलग अलग कोनों में लगातार जारी है, जहां इसमें उत्तर प्रदेश भी शामिल है, जहां कानपुर में सबसे ज्यादा 17 ठिकानों पर इनकम टैक्स की रेड देखने को मिल रही है। तो देश के 50 से अधिक जगहों पर आयकर विभाग की ये रेड है। दिल्ली, यूपी और कोलकाता सहित 50 से अधिक जगहों पर इस वक्त इनकम टैक्स की छापेमारी जारी है। यूपी में कानपुर, लखनऊ, नोएडा और गाजियाबाद में ये छापेमारी देखने को मिल रही है। तो कानपुर के दो बड़े गोल्ड कारोबारियों के घर और ठिकानों पर इनकम टैक्स की टीम पहुंची हुई है। सोने की खरीद फरोख्त से होने वाली काली कमाई का निवेश रियल एस्टेट के कारोबार में किया जा रहा था, जिसके बाद इनकम टैक्स की छापेमारी। अकेले कानपुर में करीब 17 ठिकानों पर इस वक्त इनकम टैक्स की टीम मौजूद है, जो लगातार छापेमारी कर रही है। बड़ी खबर इस वक्त आपको दे रहे हैं, तो इनकम टैक्स विभाग की तरफ से देश के अलग अलग कोनों में इस वक्त छापेमारी जारी है। यूपी, दिल्ली, कोलकाता सहित 50 ठिकानों पर यह छापेमारी चल रही है। उत्तर प्रदेश की बात कर ले तो कानपुर के दो बड़े कारोबारियों के घर और कई ठिकानों पर छापेमारी जारी है। इकलौते कानपुर में 17 ठिकानों पर इस वक्त इनकम टैक्स विभाग की छापेमारी देखने को मिल रही है। टीम मौजूद है, जो लगातार छापेमारी कर रही है। दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद में भी ये छापेमारी जारी है। और अधिक जानकारी के साथ नीलेश चौहान हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नीलेश, देखिए, इनकम टैक्स की तरफ से देश के अलग अलग कोनों में छापेमारी जारी है। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें, कई जगहों पर इस वक्त छापेमारी देखने को मिल रही है। देखिए, बिल्कुल, अगर हम इनकम टैक्स की बात करें तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट लगातार उत्तर प्रदेश के तमाम जनपदों में छापेमारी कर रहा है। लखनऊ की बात करें तो राधा मोहन ज्वेलर्स और सतगुरु ज्वेलर्स के ठिकानों पर यह छापेमारी हो रही है, क्योंकि इनकम टैक्स को ये शक है कि इन दोनों प्रतिष्ठानों के द्वारा बड़े पैमाने पर इनकम टैक्स चोरी की जा रही है। उसी को लेकर ये बड़े पैमाने पर आज सुबह से ही ये छापेमारी शुरू कर दी गई है। उसके अलावा कानपुर की बात करें तो कानपुर में भी करीब एक दर्जन से ज्यादा ऐसे ठिकाने हैं जहां पर इनकम टैक्स छापेमारी कर रहा है। साथ ही साथ अगर हम दिल्ली एनसीआर के इलाकों की बात करें, नोएडा और गाजियाबाद, तो वहां पर भी कई प्रतिष्ठानों पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट छापेमारी कर रहा है। खासतौर पर अगर हम लखनऊ की बात करें तो जब भी उत्तर प्रदेश के अंदर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की छापेमारी होती है तो लखनऊ उसमें जरूर शामिल होता है। इस बार की अगर हम बात करें तो राधा मोहन ज्वेलर्स और सतगुरु ज्वेलर्स, जो कि महानगर इलाके में है, उनके प्रतिष्ठानों पर यह छापेमारी चल रही है। अब देखना होगा कि इनकम टैक्स के छापेमारी के बाद इनके हाथ क्या कुछ अहम दस्तावेज लगते हैं। बिल्कुल नीलेश, ये छापेमारी कब से शुरू हुई है और क्या लगता है कितनी देर ये छापेमारी चलने वाली है, क्योंकि बड़ी जानकारी इनकम टैक्स विभाग को लगी है। देखिए, बिल्कुल, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की अगर हम बात करें तो सुबह करीब 7 बजे से छापेमारी शुरू हो गई और महानगर इलाके में छापेमारी हो रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जब भी छापेमारी करता है, जिन जगहों पर छापेमारी करता है, एक साथ छापेमारी शुरू होती है, चाहे वो लखनऊ हो, कानपुर हो, नोएडा, गाजियाबाद हो, इन तमाम जगहों पर एक साथ छापेमारी शुरू हुई है। खासतौर पर अगर राधा मोहन ज्वेलर्स और सतगुरु ज्वेलर्स की बात करें तो इनके यहाँ भी एक साथ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के जो अधिकारी हैं वो पहुंचे हैं और तमाम दस्तावेज, कंप्यूटर और जो आभूषण है उनको खंगाला जा रहा है कि कहीं पर इनकम टैक्स की बड़ी चोरी तो नहीं हो रही है। उन तमाम दस्तावेजों को भी देखा जा रहा है जिनसे वो बड़े पैमाने पर आभूषणों की खरीद फरोख्त करते हैं। अब देखना होगा कि इनकम टैक्स की जब रेड खत्म होगी तो क्या कुछ अहम दस्तावेज, क्या कुछ अहम जानकारियां, क्या कुछ अहम साक्ष्य इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के हाथ लगते हैं। फिलहाल ये छापेमारी निरंतर जारी है। ठीक है नीलेश, आप लगातार जुड़े रहिए, लौटूंगे आपके पास। पीयूष हमारे साथ दिल्ली से जुड़ चुके हैं। पीयूष, इनकम टैक्स की पूरे देश के 50 ठिकानों पर इस वक्त छापेमारी चल रही है। दिल्ली में किन किन ठिकानों पर यह छापेमारी चल रही है, क्या जानकारी आपके पास?
देखिए निश्चित रूप से अगर हम बात करें तो इनकम टैक्स की रडार पर तमाम ऐसे जो ज्वेलर्स हैं, जो बड़े कारोबारी हैं, जो सोने का व्यापार खासतौर पर करते हैं, वो कहीं ना कहीं रडार पर थे कई दिनों से, और कई दिनों से इनकम टैक्स इसको लेकर कहीं ना कहीं जाँच पड़ताल कर रहा था, और इनकम टैक्स के पास पूरी तरीके से पुख्ता आधार था, पुख्ता सबूत कहीं ना कहीं इनकम टैक्स को के पास था, और इसी आधार पर कहीं ना कहीं ये छापेमारी की जा रही है। बताया जा रहा है करीब 50 से ज़्यादा जो ठिकाने हैं देश भर में, चाहे दिल्ली की बात करें, लखनऊ की बात करें, गाजियाबाद की बात करें, यहाँ तक कि बिहार में भी ये छापेमारी चल रही है, और ऐसे जगहों पर अगर हम बात करें करीब 3 से 4 अधिकारी एक ठिकानों पर पहुंचे हुए हैं, पुलिस के बल के जो जवान हैं वो भी कई जगहों पर कहीं ना कहीं तैनात हैं, जहाँ जहाँ की राज्य सरकारों की बात करें या दिल्ली की बात करें तो दिल्ली पुलिस जहाँ पर दिल्ली में छापेमारी हो रही है वहाँ पर भी 3-3, 4-4 जो दिल्ली पुलिस के जवान हैं वो भी तैनात हैं, और सबसे बड़ी बात है कि पूरी तरीके से दस्तावेजों को खंगाला जा रहा है, खासतौर पर जो सोने की लेन देन या यूँ कहें कि खरीदारी जब इन कारोबारियों ने की है तो क्या उसमें जीएसटी की चोरी की गई है, नहीं की गई है, और इनकम टैक्स में पूरी तरीके से जानकारी दी गई है, नहीं दी गई है, इस बात को लेकर कहीं ना कहीं इनकम टैक्स छापेमारी कर रहा है, और सोर्सेस यही बताते हैं कि कई महत्वपूर्ण जो दस्तावेज हैं वो कहीं ना कहीं इनकम टैक्स के अधिकारियों ने बरामद भी कई ठिकानों से किए हैं। चूंकि सुबह अचानक से ही ये रेड शुरू हुई और 50 ठिकानों पर करीब एक साथ ये लगभग अगर हम बात करें करीब 7 बजे के आसपास से ये रेड शुरू हुई है, लखनऊ की बात करें, दिल्ली की बात करें या गाजियाबाद की बात करें, दिल्ली में करीब 3 से 4 जगहों पर यह छापेमारी चल रही है, और निश्चित रूप से आपने देखा कि किस तरीके से इनकम टैक्स ने इससे पहले भी कहीं ना कहीं इस तरीके की कार्रवाई की थी, छापेमारी की थी, और उसमें कई लोगों से सोर्सेस बताते हैं कि पूछताछ इनकम टैक्स के अधिकारियों ने किया था, और उसी के आधार पर ये कहीं ना कहीं छापेमारी हो रही है, और इस छापेमारी में पूरी तरीके से ये पता लगाने की कोशिश की जाएगी कि जिन जो कारोबारी हैं उन्होंने जो सोने की खरीद फरोख्त की है उसमें क्या क्या कुछ गड़बड़ था, क्या वाकई में जीएसटी की चोरी की गई, क्या इनकम टैक्स को पूरी तरीके से जानकारी नहीं दी गई, तमाम बिंदुओं पर जो इनकम टैक्स के अधिकारी हैं वो जांच करेंगे। फिलहाल एक बड़ी कार्रवाई देश भर में कहीं ना कहीं चल रही है, छापेमारी चल रही है, और पूरी तरीके से अगर हम बात करें तो दिल्ली की बात करें, गाजियाबाद की बात करें, लखनऊ की बात करें, और अचानक से ये छापेमारी हुई है और अचानक किसी को पता भी नहीं चला, और जैसे ही टीमें पहुंची कहीं ना कहीं हड़कंप मच गया ऐसे कारोबारियों के यहाँ, कहीं ना कहीं एक तरीके से अब कारोबारियों से पूछताछ की जा रही है, ये भी जानकारी मिल रही है कि कई जगहों पे इनकम टैक्स के अधिकारी पहुंचे हुए हैं, वहां पे तमाम कारोबारियों के जो मोबाइल फोन्स हैं वो कहीं ना कहीं जब्त किए गए हैं, यानी कि किसी भी तरीके से उनका संपर्क कहीं नहीं हो पाएगा जाँच के दौरान या पूछताछ के दौरान या यूँ कहें कि छापेमारी के दौरान, क्योंकि आमतौर पर जब भी इस तरीके की एजेंसियां या यूँ कहें कि इनकम टैक्स के अधिकारी छापेमारी करते हैं तो निश्चित रूप से उस घर में या जहाँ पे कंपनी होती है वहां पे किसी भी बाहरी व्यक्ति को वहां पे अंदर जाने की अनुमति नहीं होती है जब तक ये छापेमारी चलती है, और कई जगहों पे सोर्सेस बताते हैं कि काफी गड़बड़ झाला हुआ है, कई जो कारोबारी हैं उन्होंने कहीं ना कहीं इनकम टैक्स की चोरी की है, और अधिकारियों के रडार पर कई दिनों से थे, और अधिकारी जो है चूंकि इंतजार कर रहे थे कि पूरी तरीके से पुख्ता आधार पुख्ता सबूत मिल जाए अधिकारियों के पास, खासतौर पर कागजी दस्तावेज की बात करें उसके बाद। ठीक है पीयूष, और देखिए ये रेड अभी जारी है और कितनी देर ये पूरी छापेमारी चलती है ये देखना होगा। हमारे साथ कानपुर से सूरज पांडे भी जुड़ चुके हैं। सूरज, देखिए इस वक्त इनकम टैक्स की रडार पर कई कारोबारी और कई सोने के व्यापारी इस वक्त है, चूंकि कानपुर में इकलौता 17 ठिकानों पर यह छापेमारी चल रही है, क्या जानकारी इस पूरी छापेमारी को लेकर? आपको बता दें कि पूरी जो इनकम टैक्स की कार्रवाई है वो कानपुर के बिरहाना रोड में पुरुषोत्तम दास ज्वेलर्स और जुगल ज्वेलर्स के ठिकानों पर की जा रही है। इस आपको बता दें कि इन ठिकानों में आज सुबह से ही जैसे ही इनकम टैक्स की टीम पहुंची तो हड़कंप मच गया, जिसके बाद आनंद फानंद में आपको बता दें कि इनकम टैक्स की 5 टीमें जो है वो अलग अलग ठिकानों पर अलग अलग ज्वेलर्स की दुकानों पर छापेमारी कर रही है। जी, आपको बता दें इसमें ये जो छापेमारी है वो कानपुर समेत दिल्ली, कोलकाता और कई जिलों में ये छापेमारी की प्रक्रिया जो है वो लगातार जारी है। ऐसे में कहीं ना कहीं से जिस तरीके से आयकर विभाग की टीम को ये जानकारी लगी थी सोने और चांदी के कारोबार में ये कालाबाजारी का खेल जो है वो जमकर शहर में खेला जा रहा है, जिसको लेकर ये पूरी जो कार्रवाई है वो लगातार सुबह से ही आज जारी है। ऐसे में अब देखने वाली बात ये होगी कि इनकम टैक्स की जो टीमें हैं वो दस्तावेजों को खंगालने में जुटी हुई हैं, जो भी सोने चांदी की खरीद फरोख्त हुई है, किन लोगों ने खरीदा है, किन लोगों ने बेचा है, इसका पूरी जो पड़ताल है वो अभी तक लगातार जारी है और जो टीमें हैं वो अपना काम करने में जुटी हुई है। जी बिल्कुल सूरज, और देखिए कानपुर के 2 बड़े गोल्ड कारोबारियों के घर पर इस वक्त छापेमारी चल रही है। सूरज, क्या इसकी जानकारी मिल पा रही है? सूरज जी, सबसे बड़ी जी कानपुर की सबसे बड़ी जो
बिराना रोड में जो दुकानें हैं वो उनमें से आपको बता दें कि राधा मोहन पुरुषोत्तम ज्वेलर्स और जुगल किशोर ज्वेलर्स की जो ज्वेलरी की शॉप है उस पर ये छापेमारी की कार्रवाई हुई है। ऐसे में कहीं ना कहीं से जो ये व्यापारी है उनकी जो मुसीबत है वो आने वाले दिनों में बढ़ने वाली है। वहीं आपको बता दें कि इस छापेमारी के दौरान जब ये छापेमारी की गई तो किसी को भी इस बात की जानकारी नहीं थी। जैसे ही टीमें पहुंची और उन्होंने शटर को उठवाकर इस पूरी कार्रवाई को शुरू कर दिया है। वहीं आपको बता दें कि छापेमारी की सूचना के बाद कानपुर पुलिस प्रशासन के द्वारा कड़ी सुरक्षा भी मुहैया करा दी गई है ताकि किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी ना हो। वहीं आपको बता दें कि जो ये कानपुर की चर्चित सोने चांदी की दुकानें हैं ये पूरी एक बाजार है। तकरीबन यहाँ पर 50 से 60 ऐसी दुकानें हैं जो बड़े कारोबारी के रूप में कानपुर में जाने जाते हैं और उनके यहाँ बड़ी तादाद में सोने और चांदी का कारोबार ये जो है वो संचालित हो रहा है। ठीक है, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।